और डायमंड का आर्मर मैं पहनने वाला हूँ। ओ माई गॉड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट अपनी सर्वाइवल सीरीज में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं डायमंड माइनिंग पे और अपना डायमंड का आर्मर बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अपना सामान लेने। और ये मेरा डॉग टफी, मैंने इसको नीचे बैठा दिया है। इसके लिए मुझे नेम टैग भी चाहिए, तो आज देखते हैं अगर हमें नेम टैग भी मिल जाता है तो। बाकी मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया बनाया है और यहाँ पे मैंने मतलब आइटम फ्रेम लगा दिए हैं। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल और ब्लास्ट फर्नेस, नॉर्मल फर्नेस और स्मोकर। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे मतलब शॉर्ट आउट कर दिया चीज़ों को, जैसे यहाँ पे माइनिंग वगैरह का सामान है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे मेरा आर्मर है, यहाँ पे मैंने फूड रख दिया है, यहाँ पे मेरे टूल्स हैं और बाकी सब तो आपको ऐसे पता ही है। और अभी चलते हैं हम डायमंड माइनिंग पे, तो मैं जल्दी से अपना सामान रेडी कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो आई थिंक अभी मैं रेडी हूँ। जल्दी से एक काम करते हैं, पहले तो सो जाते हैं, यहाँ पे बारिश भी हो रही है। एक सेकेंड, जल्दी से ना एक काम करते तो सो जाता हूँ, इसके बाद देखते हैं। और मैं सोच रहा हूँ अभी बेड वगैरह भी ले लेते हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ बारिश वगैरह। ओके, अब बारिश स्टॉप हो चुकी है। अभी एक काम करते हो, बेड और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह भी ले लेता हूँ, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके सो मैं अभी जा रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे विलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही विलेजर है। इसका मुझे क्या करना चाहिए ये बाद में देखते हैं। और भी मुझे विलेजर्स चाहिए होंगे। बाकी अभी चलते हैं माइनिंग पे। मैं सोच रहा हूँ ये इस वाली माइन में जाएँ या दूसरी वाली में, क्योंकि इस वाली में हमने पहले देखा हुआ है। ओके गाइस, तो मैंने डिसाइड करा है कहीं और ही चलते हैं हम। और जैसे ही मुझे एक अच्छी सी माइन मिलती है मैं तभी ही आपको दिखाऊंगा अब। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे अभी जल्दी से माइन मिल चुकी है। और ओके, यहाँ पे आयरन है तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, आयरन भी माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे कोल भी है, मैं कोल भी एक काम करता हूँ, जल्दी से माइन कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो कोल मैंने अभी सारा माइन कर लिया। अभी चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं कि डायमंड्स वगैरह ढूंढना है यहाँ पे मुझे, तो अभी नीचे ही चलते हैं। ओके, यहाँ पे आयरन है, काम करते हैं पहले आयरन माइन कर लेते हैं, एक ही है वैसे तो। ओके, अभी चलते हैं नीचे। और ओके, यहाँ पे आयरन है ना, तो आयरन भी माइन कर लेते हैं जल्दी से अभी। ओके गाइस, सो आयरन मैंने अभी सारा माइन कर लिया। अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अंधेरा है वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे ग्रेवल गिरी हुई है, लगता है ये नीचे गिर गई थी। अभी देखते हैं माइन कहीं पे जल्दी से। ओके, यहीं पे चलते हैं अभी तो नीचे। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था, अभी देखते हैं कि ओ भाई रिवीन, यहीं पे चलते। एक सेकेंड, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लावा है वैसे, चलते हैं पर अभी नीचे। ओके, मैं पहली बार मतलब MLG करता हूँ। ओ भाई पहली बार MLG पूरा एकदम अच्छे से हुआ है। अभी एक काम करते हैं, जल्दी से ये रेडस्टोन भी माइन कर लेते हैं। ओके गाइस, अभी चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं डायमंड है। यहाँ पे तो मुझे डायमंड नहीं दिख रहे, चलते हैं। यहाँ पे आयरन है तो आयरन मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डायमंड होंगे या नहीं। मैं जब तक डायमंड नहीं मिलते तब तक तो मैं ऐसे आयरन माइन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ और जब मुझे आयरन मिलेगा तो वो मतलब सॉरी डायमंड मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। ओके गाइस, तो मैं थोड़ी देर से यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और ओ भाई, ओ डायमंड, डायमंड मिल गया। ओ भाई साहब, पहला डायमंड मिल गया गाइस आज का। एक सेकंड, मुझे इसको लावा में नहीं गिराना, अभी देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमंड होगा, आई गेस। हाँ, एक ही डायमंड है। ओके, यहाँ पे लावा नहीं था, अच्छी बात है। ओके, एक ही डायमंड था। अभी इस आयरन को भी मैं, ओके एक सेकंड यार, मेरी पिकैक्स टूट गई। ओके ओ नो, मेरे पास वो नहीं है। एक काम करते हैं, फर्नेस में जल्दी से इसे स्मेल्ट होने रख देते हैं और फिर एक नई पिकैक्स भी बना लेंगे। ओके गाइस, तो बिग, ओके यहाँ पे तीन वो आ गए आयरन, तो जल्दी से वो बना लेते हैं अपनी पिकैक्स। पिकैक्स अब हमारी बन चुकी है। अब एक काम करते हैं, इनको भी हटा ही देते हैं और इसको भी हटा देते हैं।
और इसको हम माइन कर लेते हैं आयरन को हमारे। अब चलते हैं और डायमंड ढूंढ। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा क्लोज था भाई साहब लावा के। यहाँ पे ही चलते हैं अब और देखते हैं कि कहाँ जाना है, मतलब और डायमंड कहाँ पे है वो देखते हैं अब। ओके गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे ढूंढे हुए और एक सेकेंड ये डायमंड, ओ भाई डायमंड मिल गया, और ज़्यादा डायमंड मिल गए। एक काम करते हैं पहले तो ये पानी के सोर्स को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहते ये पानी का सोर्स वो मतलब डायमंड ले जाए मेरे लावा में। तो एक काम करते जल्दी से इसे ब्लॉक कर देते हैं और अब वो करते हैं माइन। देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, एक और दो, सिर्फ दो ही डायमंड है। अब आई गेस हमारे पास टोटल तीन हो गए हैं। अभी चलते हैं और आगे और देखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसको ढूंढने में, अभी तो एडिट करके बहुत ज़्यादा काट दूंगा मैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अभी इसको भी हटा देता हूँ मैं और ज़्यादा डायमंड ढूंढता हूँ अभी मैं। ओके गाइस तो मैं बहुत देर से स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था, मेरी पिकैक्स टूटने वाली है और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। मैंने सोचा कि एक काम करते पहले ऊपर चलते हैं और थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि अगर लकड़ियाँ नहीं होंगी तो मतलब वो स्टिक वगैरह नहीं बना पाऊँगा मैं। तो पहले एक मिनट मैं शवल से एक काम करता हूँ। ओ नो भाई ये कितना है, एक सेकेंड ग्रेवल भाई कितना है ये। ओके हाँ अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ अगर मैं ऊपर मतलब एक बार ना वो वुड वगैरह ले आता हूँ और फिर वापस से आएंगे, क्योंकि मेरे पास वुड की थोड़ी सी कमी हो रही है। आई डोंट नो मतलब मैं ज़्यादा वुड लेकर नहीं आया था, मैं सिर्फ 10 ही लेकर आया था शायद से, और अब देख सकते 6 ही बचियाँ। तो एक काम करता हूँ जल्दी से अब ऊपर चलते हैं और फिर और भी अब लेकर आते हैं अभी जल्दी से। आई थिंक ये आयरन पिकैक्स, ओके आयरन पिकैक्स टूट गई है। अब मेरे एक सेकेंड कहाँ गई, हाँ मेरी क्राफ्टिंग टेबल ये रही, हाँ ओके क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ पे रखता हूँ। और एक काम करते हैं डायमंड की पिकैक्स ही बना लेते हैं, इस वर्ल्ड में हमारी फर्स्ट डायमंड की पिकैक्स आई है। तो ये अभी चलते हैं वापस ऊपर, ब्लॉक्स निकाल लेते हैं और अब चलते हैं 64 ही ले लेते हैं ना अब, हाँ ओके अभी चलते हैं ऊपर। ओके गाइस तो मैं ऊपर आ चुका हूँ और काम करते हैं तब तक हम लोग ये फर्नेस में ये अपना आयरन वगैरह स्मेल्ट होने रख देते हैं, जब तक हम लोग ऐसे वुड वगैरह काट रहे हैं। एक सेकेंड यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, ये कोल भी यहाँ पे लगा देते हैं, तब तक ये स्मेल्ट हो रहा है तब तक मैं थोड़ी बहुत वुड काट लेता हूँ। और ये वॉन्डरिंग ट्रेडर है, इसको तो मैं मार दूँगा क्योंकि ये कभी भी अच्छी ट्रेड नहीं देता। ओके इसको मार दिया, एक सेकेंड देख तो लूँ क्या तेरे ट्रेड दे रहा है, कुछ भी अच्छी नहीं है, मतलब क्या दे रहा है ये, तीन कैक्टस पे वो दे रहा है, तीन एमरल पे एक कैक्टस और एक एमरल पे एक शुगर केन। मैं इसका फार्म बना सकता हूँ शुगर केन का, इसको मार ही देते हैं। ओके और ये काम करते हैं जल्दी से वो ये तोड़ देते हैं हम। हाँ A few moments later. ओके गाइस तो मैं थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे माइनिंग कर रहा था पेड़ों की और 12 आयरन आ चुका है। अभी चलते हैं वापस से माइनिंग करने और फिर से एक अच्छी सी केव ढूंढते हैं। अभी तो मैं अपने घर के कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा दूर हूँ, मेरे कोऑर्डिनेट्स तो 600 के करीब है, मतलब 60 के करीब है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक काम करते जल्दी से अपने घर के पास ही चलते हैं फिर। एक सेकेंड मुझे एक चेक करना पड़ेगा कि मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स किधर को जा रहे हैं। ओके गाइस तो मुझे और डायमंड मिल चुके हैं, मैंने डिसाइड किया था कि मैं माइनिंग पे जाऊंगा, इसको जल्दी से माइन कर लेते हैं। 4 डायमंड है यहाँ पे अभी, ओ एक्चुअली 5 है, ओ ओ ओ ओ ओ और मिल गए डायमंड। अब ये काम करते हैं, मैं वैसे स्ट्रिप माइन कर रहा था, एक सेकेंड इस वाले को ब्लॉक को तोड़ते हैं हम। और हाँ वो मैं स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था, अभी और आगे चलते हैं हम। गाइस अब मुझे और ज़्यादा डायमंड मिल चुके हैं यहाँ पे, एक सेकेंड 8 डायमंड है यहाँ पे, ये आज के पहले 8 डायमंड है हमारे। और अब हमारे पास टोटल 13 डायमंड हो चुके हैं और 10 हमारे पास पहले ही थे, तो अब हमारा लगभग आर्मर बनने वाला है। एक काम करते हैं सबसे पहले तो इस लावा को ब्लॉक कर देते हैं, और वॉट मेरा पानी चला गया, उस ग्रेवल की वजह से मेरा पानी चला गया। और
अभी एक काम करते हैं, और ज़्यादा वो ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी। तभी अभी तो हम ऐसे ही आगे ढूंढ चलते हैं और लावा मतलब सॉरी डायमंड को ढूंढते हैं। ठीक है, इसको मैं माइनिंग कर रहा था और मुझे मिल चुका है एक स्पॉनर। इसको मैं तोड़ने नहीं वाला हूँ, इसको मैं अभी संभाल के रखूँगा। इससे हम बनाएंगे अपना अनलिमिटेड एक्सपी फार्म। इसके अभी आपको कोऑर्डिनेट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इनको भी हम मार देते हैं जल्दी से। चेस्ट भी फिर देखेंगे कि क्या है। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे अभी एकदम ध्यान से रखने होंगे। इसको हम बनाएंगे अपना एक्सपी फार्म, फिर हमारे पास अनलिमिटेड एक्सपी हो जाएगी। और यहाँ पे चेस्ट जो है ना, इसको लूटते हैं। ये ओ भाई गोल्डन एप्पल मिल चुका है, ये रख लेंगे हम। एक सेकंड देखने दो। ओके, कॉबल स्टोन की जगह यहाँ पे रख लेते हैं, और इसको भी हम स्पाइडर आई की जगह रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को नेम टैग मिल गया, अब हम टफी को अपना उसका नेम दे पाएंगे। इसको भी हम लोग रख देते हैं, और ये हॉर्स आर्मर भी रख लेते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, और वो एक सेकंड गोल्ड आ गया इसको भी माइन कर लेते हैं, और डायमंड्स भी ढूंढते हैं अब। कि गाइस, सो अब हमें फाइनली डायमंड्स मिल चुके हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और यहाँ पे टोटल आई गेस 4 हैं। हाँ, 4 ही डायमंड्स, और अब हमारे पास टोटल 17 डायमंड हो चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर। ओके गाइस, सो अब हम वापस आ चुके हैं ऊपर। अभी मुझे जाना है अपने घर में जल्दी से, और बनाना है अब अपना फाइनली डायमंड का आर्मर। इसको 2 एपिसोड लग गए, बट कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। ये क्राफ्टिंग टेबल यहीं पे रख देते हैं, और एक काम करते हैं, जल्दी से काम करते हैं कि जल्दी से अपना डायमंड का आर्मर बना लेते हैं। मेरे डायमंड्स किधर हैं, मुझे तो बस ये चाहिए। हाँ, इनको एक काम करते हैं, आयरन को अपने स्मेल्ट होने रख देते हैं तब तक, और जल्दी से ये डायमंड निकाल लेते हैं, और फाइनली डायमंड का आर्मर बनाएंगे हम लोग। बस एक काम करते हैं, जल्दी से ये कर देते हैं बस। अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा, अब बस मुझे जल्दी से वो करना है। ये ले लेते हैं डायमंड का हमारा ब्लॉक है, और चलते हैं बनाते हैं हमारा फाइनली डायमंड का आर्मर। ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ हेलमेट, ये हो गया हमारी चेस्ट प्लेट, ये लेगिंग्स, और ये हो गए बूट्स। एक काम करते हैं, एक स्वॉर्ड भी बना ही लेते हैं अब, और ये भी बन जाएगी। हाँ, अब फाइनली इसे पहनने का वक्त आ गया। ओ माई गॉड, डायमंड का आर्मर मैं पहनने वाला हूँ। ओ माई गॉड। ओके गाइस, डायमंड का आर्मर अब हमने पहन लिया अपना। एक सेकंड, मैं अभी आपको दूसरे मोड में जाके दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो हमने फाइनली अपना डायमंड का फुल सेट बना लिया है। ओके, सो अब अगली वीडियो में अब हम इसको देखते हैं क्या करना है। तो आई थिंक दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।